हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे आपके एसएससी फेज 11 के बारे में। जैसा कि आप सभी ने अपना एप्लीकेशन स्टेटस आपने चेक कर लिया होगा, अभी भी लगभग किसी के मन में डाउट होगा कि यानी कि कुछ कुछ नए कैंडिडेट भी होते हैं तो लगभग फर्स्ट टाइम लगभग एग्जाम देने जाते हैं, तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम अपने साथ क्या क्या लेके जाएँ, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करें जिससे हमको एग्जाम सेंटर पर कोई भी दिक्कत ना हो। तो वो मैं आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले आपके एप्लीकेशन स्टेटस आपने सभी ने चेक कर लिया होगा और जिनके लगभग शो नहीं हो रहे थे उनके भी लगभग शो होने स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि आपका जो स्टेट है आप किस स्टेट में है आपको उसी रीजन में आपको चेक करना है। जैसे कि सेंट्रल रीजन है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश आता है और बिहार भी आता है, तो आपको सेंट्रल रीजन में चेक करना है, चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म को फिलअप किया हो। तो अभी देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो देखो सबसे पहले आपको आपके ये क्या बोलते हैं, आपको एडमिट कार्ड तो आपको लेके जाना ही है, आपके पास ये होना चाहिए एडमिट कार्ड। और उसके बाद आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ एकदम वैलिड ओरिजिनल, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड, या फिर आप 10th की मार्कशीट, या फिर पासपोर्ट और कोई जिसमें आपके गवर्नमेंट प्रूफ यानी कि वैलिड है वो आप लेके जा सकते हैं, जिसमें आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका फोटो लगा हो, यानी कि गवर्नमेंट प्रूफ वेरीफाई हुआ हो, वो डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं। और आपको क्या लेके जाना है, दो फोटो आपको साथ में रखना है। वैसे फिलहाल कोई अभी एसएससी एग्जाम में लगभग कोई जरूरत नहीं होती, पर आपको दो फोटो आपके पास होने चाहिए, दो फोटो और बस, आपके पास कोई और इतना कोई कंपल्सरी नहीं है, यानी कि आपके पास एडमिट कार्ड और आपके पास दो फोटो और आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ, ये आपके पास तीन चीज़ें आपके पास होना कंपल्सरी है। बाकी आपको जो पेन है, कागज़ आपको सब वहीं से आपको दिया जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम सेंटर आपके ऑनलाइन होगा कंप्यूटर पे, तो आपके ऑनलाइन पेपर आपके होने वाला है। तो डिटेल मैंने आपको बता दिया, और कोई आपके मन में डाउट होता है कि हम क्या क्या लेके जाए, और कि कोई लगभग कैंडिडेट नहीं भी होते तो उनको परेशानी हो सकती है, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसे लगी, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।